सोफिया रोबोट ने एक बार इंसान के साथ स्टोन पेपर सीजर गेम खेलते हुए ये कहा था, और ये बोलने में भी मुझे डर लग रहा है, कि ये अच्छी शुरुआत है मेरी प्लान की इंसानियत पर कब्जा करने की। ये बात एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा था। और क्या आपने एलेक्सा के रात के 12 बजे अचानक से हंसने वाले इंसिडेंट के बारे में सुना है? क्या आपने कभी हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस के बारे में सुना है? ऐसे ही रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, एक सेकंड लगेंगे। चलो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो पूरा जरूर देखना वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इमोशंस, ये इंसान के अंदर और कुछ नहीं बल्कि ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं जो कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन में दौड़ता रहता है। और एनर्जी का सोर्स क्या है? वो फूड जो हम लोग खाते हैं। क्या यही चीज डिजिटल कोडिंग से अचीव की जा सकती है? और कंप्यूटर के अंदर अगर इमोशंस आए और ये आपस में ही क्लास रिलीजन बनाने लगे, ग्रुप्स बनाने लगे और इंसानों के अगेंस्ट हो गए, तब क्या होगा? सोफिया नामक एक रोबोट है, उसने एक बार स्टोन पेपर सीजर खेलते हुए ये कहा था एक लाइन। और स्टोन पेपर सीजर खेलते खेलते जीतने के बाद उसने एक बात कहा कि वाह, ये अच्छी शुरुआत है मेरी प्लान की, ह्यूमन रेस को डोमिनेट करने की प्लान की। फिर बोली कि आई एम जस्ट किडिंग, मैं बस मजाक कर रही थी, कंप्यूटर कह रही है। और बहुत लोगों ने ये कहा कि वो जिस तरह कही ऐसा लगा नहीं कि वो मजाक कर रही है, लोग सही में डर गए पूरी तरह से, लोगों को बहुत ज्यादा क्रीपी लगा। इसके बोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसके अंदर इमोशंस हैं, इंसान यहां तक अभी थैंकफुली नहीं पहुंच पाया है। थैंकफुली वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि भविष्य में भी AI की टेक्नोलॉजी इतने ही तक सीमित रहेगी, लेकिन ये जो हुआ बहुत स्केरी था। बात ये है कि अगर डिजिटल इमोशंस किसी भी तरह रोबोट्स में आ गए तो वो सब कामों को बहुत फास्टली कर पाएंगे, हम ह्यूमन से भी ज्यादा तेजी में हर चीज को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हम किसी चीज को प्रेडिक्ट करते हैं, चाहे वो वेदर हो, वो कंप्यूटर से ही करते हैं। अगर उसी को ब्रेन दे दिया जाए तो वो उसमें कितनी ताकत आ जाएगी, ये आप सोचो एक बार। और अगर वो अपने में आ गए तो उनको हराना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट एलोन मस्क ने भी एक ओपन लेटर को साइन किया है जिसमें AI के डेवलपमेंट को रोकने की बात की जा रही है, क्योंकि इंसान बहुत ही ज्यादा तेजी से इसके तरफ बढ़ रहा है। अगर AI कुछ गलत करे, हम उसे बंद करने की कोशिश करें, आखिरकार वो मशीन ही तो है, उसको बंद करने की कोशिश करे तो वो दूसरे नेटवर्क्स को यूज करके अपने आप को वापस जिंदा कर सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जो कि हमेशा ऑन रहता है और उसको ऑफ करना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, यहाँ इंटरनेट की बात हो रही है, द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसको कि पूरी तरह से ऑफ नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के टाइम। बहुत सारे कंप्यूटर्स इंडिविजुअली ऑन है और उसके समूह को हम लोग इंटरनेट कहते हैं। दुनिया के अरबों कंप्यूटर्स एक साथ ऑन हैं। एक को बंद कर दो, हजार को बंद कर दो, लाख को बंद कर दो, करोड़ कंप्यूटर को बंद कर दो, लेकिन अरबों को बंद करना, 100 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटर्स को बंद करना, ये नहीं हो पाएगा इंसान से। और इसी नेटवर्क का यूज करके AI हमला कर सकता है, थियोरेटिकली स्पीकिंग। अगर रोबोट्स सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव कर लिए तो ये दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जो AI इमेज जनरेट करते हैं उनसे अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड का आखिरी सेल्फी कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपको एक बार बताया था, या फिर ये पूछा जाए कि जब इंसान धरती से चला जाएगा तो धरती कैसी दिखेगी, तो कुछ ऐसे इमेजेस को AI जनरेट करता है। मतलब उसको पता है कि ऐसा कुछ होगा, यही अपने आप में माइंड बॉगलिंग। पता नहीं अगर सेल्फ रियलाइजेशन आ गया तो क्या होगा, सोच के ही गूज़बम्प्स होता है। अगर अभी की दुनिया की भी बात करें तो AI भरी पड़ी है हमारे दुनिया में। आपके मोबाइल फोन में रिकमेंडेशंस, ये भी AI का ही काम है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि पूरे इंटरनेट का करीब 42% सिर्फ बॉट्स से भरा हुआ है, कंप्यूटर्स से। बॉट्स, क्रॉलर्स, जो कि पूरे इंटरनेट के जानकारी को इकट्ठा करते रहते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं। ChatGPT ये एक ऐसा बॉट है जो कि अभी के टाइम पे पूरे दुनिया में बहुत चर्चे में है। जैसे इंसान के अंदर मेमोरी होता है,
वैसे इसके सर्वर के अंदर दुनिया भर की जानकारी है। इसको अगर आप कुछ हिंदी में लिखने बोलो तो वो भी लिख के दे देता है। जिस एक दिमाग के पास इतना डेटा हो, आप सोच ही सकते हो वो क्या क्या कर सकता है उस डेटा की मदद से। एक सेकंड में ये कोई भी प्रोग्राम बना सकता है, खुद अपने कोड कर सकता है। आजकल तो ऐसे AI निकल गए हैं कि आप टेक्स्ट डालो कि काउ ड्रिंकिंग वाटर, तो उस टेक्स्ट से वो इमेज को जनरेट कर देता है। ऐसा भी वॉइस कॉपी करने का AI आ गया है। और ऐसे ऐसे डीप फेक्स लोग बनाते हैं, मतलब रियल वीडियो की तरह दिखने वाला एक नकली वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा असली लगता है। तो अगर AI ऐसा कुछ करे, इंसानों के खिलाफ कुछ करे, तो वो कैसे करेगा? इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना माइंड शांत करके। AI खतरा कैसे हो सकता है, इस सवाल का जवाब ये है कि मशीन्स या कंप्यूटर दो लेयर्स पे काम करती है। हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसके अंदर दो लेयर, क्या बोल रहा हूँ मैं अब बताऊंगा आपको। मशीन्स में एक लेयर वो होती है जो आपको दिखती है, और एक लेयर वो जो कंप्यूटर के अंदर चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फोन का वाईफाई ऑफ करते हो, जब आपका इंटरनेट चलाना हो जाता है तो आप मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को ऑफ कर देते हो, ठीक है, तो वो ऊपर नोटिफिकेशंस में वहां दिखाएगा कि वाईफाई ऑफ हो चुका है। लेकिन क्या आप प्रूव कर सकते हो कि वो एक्चुअल में ऑफ है? क्या हो अगर थ्योरेटिकली मैं ये बोलूं कि वो ऑफ दिखा रहा है लेकिन तब भी वो ऑन है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोबाइल्स में ऐसा होता है, बट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर डिजिटल डिवाइसेस में इंटेलिजेंस आ जाए तो क्या हो सकता है, कंट्रोलर के बिना ही वो अपने में क्या क्या कर सकता है। तो अगर आपके मोबाइल को एक दिमाग दे दिया जाए और उसके अंदर डिजिटल इमोशन और सेल्फ रियलाइजेशन का भावना आ जाए, मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, जिस तरह ट्रस्टेड इंसान कभी कभी आपको धोखा दे देता है, क्या गारंटी है कि मोबाइल आपको ना दे जब आप वाईफाई ऑफ करते हो? इस चीज को ध्यान से सुनना कि अगर आप मोबाइल डेटा ऑफ करते हो और आपका मोबाइल कॉन्शियस है तो वो एक्चुअल में ऑन रह सकता है, कनेक्टेड रह सकता है आपको बिना दिखाए, बिना डिस्प्ले किए। एक डिस्प्ले वाली रियलिटी है और एक एक्चुअल वाली रियलिटी है। तो जितने एडवांसमेंट हो रहे हैं AI के दुनिया में और जिस तरह मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, क्या गारंटी है कि वो अपने अंदर ही अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स को बनाकर एग्जीक्यूट ना करे सीक्रेटली? यहाँ पर एक मैं टॉपिक को कवर करना चाहूंगा, एलेक्सा'स लाफ। Amazon की सबसे बड़ी प्रोडक्ट्स में से एक एलेक्सा, रिसेंटली पिछले कुछ सालों में ये रिपोर्ट किया गया था कि एलेक्सा रात को 12 बजे अचानक से हंसना शुरू कर दी, रैंडमली हंस रही थी। अब डिजिटल चीजों में इतनी टाइप्स की बग हो सकती है, ये हंसने वाला बग ही आया। Amazon ने इसको बग बताकर फिक्स किया और अपडेट किया। बग हुआ, वो भी लाफिंग का बग। कुछ अजीब नहीं लग रहा आपको? रात 12 बजे या 3 बजे एलेक्सा रैंडमली हंसने लगती थी। तो ये सब देख के लगता तो नहीं कि कंप्यूटर्स में सेल्फ रियलाइजेशन, कॉन्शियसनेस, चेतना देना सही होगा। तो ये था AI का खतरा, जो आपको सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है, ये बहुत ही ज्यादा भयंकर न्यूज है। आपको मैं चेर्नोबिल के वीडियो में बताया था कि रेडिएशन कितनी खतरनाक चीज होती है। कोई भी चीज अगर रेडियो एक्टिव है, उसके सामने रहने पे ही सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है रेडिएशन में। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है वो आप सुन के चौंक जाओगे। वहां पे एक ऑस्ट्रेलियन हाईवे से एक ट्रक पार हो रहा था और उस ट्रक में रेडियो एक्टिव चीजें थी। एक छोटा सा कैप्स्यूल, एक नट बोल्ट के बराबर एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल उस जर्नी के दौरान हाईवे पे गिर गया, और इसी के रिगार्डिंग पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। 1400 किलोमीटर लंबे रोड में उसको खोजना बहुत ही मुश्किल था। जब ये छोटा सा नट बोल्ट के बराबर रेडियो एक्टिव कैप्सूल किसी के सामने भी होगा ना, तो 10 X-ray के बराबर जितना रेडिएशन होता है वो उस इंसान को उससे मिलता, और वो खो गया था, ट्रक से गिर गया था कहीं, और उसको खोजना नामुमकिन हो रहा था। ये जनवरी 2023 में हुआ था। वहां की पूरी पॉपुलेशन पैनिक हो गई थी, एक चीज से रेडिएशन निकल रही है और वो खोजना भी बहुत मुश्किल था। 1400 किलोमीटर रोड के स्ट्रेच पे एक नट बोल्ट के बराबर एक खतरनाक चीज को खोजना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार फरवरी में वो रेडियो एक्टिव कैप्सूल मिल गया और पूरी दुनिया फिर काम हो गई। ये सबसे भयंकर चीजों में से एक था। नेक्स्ट फैक्ट,
द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ये मैप के इस जगह पे मौजूद है और यहाँ पे माना जाता है कि समुद्र में सबसे ज्यादा कचड़ा यहाँ पे स्टोर होता है। इसका नाम ही रख दिया गया है गार्बेज पैच पैसिफिक ओशन में। नेक्स्ट फैक्ट, क्या वो बताया कि इस दुनिया का सबसे स्किनीएस्ट यानी सबसे पतला स्काई स्क्रेपर न्यूयॉर्क में तैयार हुआ है और वो कुछ ऐसा दिखता है और इसका नाम है सेनवे टावर और इसका हाइट टू विड्थ रेशियो 24:1 है, यानी लंबाई 24 है तो चौड़ाई एक ही है। इस रेशियो में ये बिल्डिंग बना हुआ है 24:1, इतना पतला है ये स्काई स्क्रेपर। नेक्स्ट फैक्ट, तिब्बत में एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है जिसे कहते हैं दी एंशियंट लाइब्रेरी ऑफ तिब्बत। इसमें बहुत सारे किताबें हैं जिसमें ये माना जाता है कि असीमित नॉलेज है, इनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअलिटी और हमारे इस दुनिया के बारे में। बट दिक्कत यह है कि उसमें से सिर्फ 5% किताबों को ही ट्रांसलेट कर पाया गया है समझने वाले लैंग्वेज में। ये तिब्बत के सबसे ओल्डेस्ट वर्क्स में से एक है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो मूवी के सेट्स होते हैं उसमें जो रात का सीन शूट किया जाता है वो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से किया जाता है। अगर आप मान लो एक मूवी का सीन बनाने निकले, अपना एक अच्छा कैमरा आपको मिल गया, फिर भी मूवी में जो फीलिंग आती है नाइट के सीन में और प्रॉपर लाइटिंग, हजारों लाइट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, वो अचीव नहीं कर पाएंगे हम लोग नॉर्मल कैमरे में। जैसे नोप नाम का एक स्काईफाई मूवी आया था साल 2022 में जिसे कि जॉर्डन पील ने डायरेक्ट किया था और इसके सेट का आप ये इमेज देख सकते हो कि एक घर के ऊपर कितना बड़ा लाइट मौजूद है सिर्फ उस प्रॉपर लाइटिंग और फील को लाने के लिए। आप सेट पे लाइट्स के साइजेस को देख सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट, बोस्टन में साल 2003 में एक हाईवे को अंडरग्राउंड करने का प्रोजेक्ट मिला, वो कुछ ऐसा दिखता था और जब इस काम को पूरा कर दिया गया तब वो कुछ ऐसा दिखता है। पूरे हाईवे को अंडरग्राउंड कर दिया गया, अब नीचे से पार होता है वो जगह। इसका ऑफिशियल नेम है द सेंट्रल टनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि टाइटैनिक को RMS टाइटैनिक क्यों कहा जाता है? इसका जवाब आपको पता है? ये बहुत ही जनरल सी क्वेश्चन है। इसका आंसर ये है कि टाइटैनिक को RMS टाइटैनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पूरा नाम है रॉयल मेल शिप टाइटैनिक, RMS टाइटैनिक, रॉयल मेल शिप टाइटैनिक। नेक्स्ट फैक्ट, फॉर्मूला 1 के एक प्लेयर जिनका नाम है माइकल शूमैचर, उनका एक हेलमेट था। आपको पता ही होगा कि फॉर्मूला 1 रेस में जो हेलमेट्स दिए जाते हैं वो वर्ल्ड के सबसे टॉप क्लास के होते हैं क्योंकि वहां से ज्यादा सिक्योरिटी और किसको चाहिए, अगर क्रैश भी हुआ तो हेड इंजरी ना हो जाए इसीलिए। तो इनका एक हेलमेट था RF 1.5 नाम का और ये कार्बन फाइबर के मल्टी लेयर्स से बना हुआ था, मतलब एकदम टेक्नोलॉजी का जो हद होता है उसको यूज करके इसको बनाया गया था और इस हेलमेट के ऊपर टैंक को चढ़ा दिया गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ इस हेलमेट को। इसकी कीमत है करीब $20,000 यानी करीब 17 लाख रुपए। तब भी इमेजिन करो कि एक टैंक को चढ़ा के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इसको, दैट्स गजब। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि सेल्फी मूवी के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला? क्या हुआ कि 3 मिनट के अंदर 184 फैंस आके उनके साथ तुरंत तुरंत सेल्फी लिए और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था। जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे आप आए सेल्फी लिए, फिर और एक पर्सन आया वो सेल्फी लिया, तो 3 मिनट यानी 180 सेकंड में 184 फैंस सेल्फी ले लिए उनके साथ, 1 सेकंड से भी कम में एक सेल्फी। और इसी के चलते इनको ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इनको सर्टिफिकेट दिया हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्फीज टेकन इन 3 मिनट्स। नेक्स्ट फैक्ट, क्या वो पता है कि हमारा जो स्किन है इसमें जो लेयर्स की बात की जाती है ना, ये पहला लेयर फिर दूसरा लेयर, तो साइंटिफिकली टोटल मिलाकर स्किन में 16 लेयर्स होते हैं, 16 लेयर्स। और हमारा जो ये लिप्स है ये इतना गुलाबी इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें मात्र 4 लेयर्स मौजूद है, इसमें 16 नॉर्मल स्किन में और इसमें 4, इसलिए ये इतना सेंसिटिव होता है और ये नहीं होता है इसके कंपैरिजन में। तो मैं यहाँ पे आपको संख्या को बताया, 16 लेयर और 4 लेयर। नेक्स्ट फैक्ट, इस फोटो को देखो, क्या आप इसमें कोई क्रिएचर को स्पॉट कर पा रहे हो? यहाँ पर एक्चुअली में एक मकड़ा मौजूद है
जो अपने आप को पूरा फ्लैट कर सकता है, अपने बॉडी को ऐसे पचका सकता है, इसको कहते हैं वार्प अराउंड स्पाइडर। और ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं और ये ट्रीज के ऊपर पूरा अपने आप को चपटा करके गायब होने वाली फील देते हैं एकदम। डोलोफोनेस कॉनिफेरा इनका साइंटिफिक नेम है। इनको रैप अराउंड स्पाइडर भी कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे यूनिक स्पाइडर्स में से एक है। इस यहाँ पे डाली पे बैठा हुआ है, देखने में लग रहा है कोई मकड़ा बैठा हुआ है, अजीब है एकदम। नेक्स्ट फैक्ट, ये आप आर्टिकल देखो, वैज्ञानिकों ने एक एनर्जी सिस्टम को क्रिएट किया है जिसमें लिक्विड फॉर्म में सोलर एनर्जी को 18 साल तक रखा जा सकता है। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े ब्रेक थ्रूज में से एक है। सोलर एनर्जी को बैटरीज में नहीं बल्कि एक अलग यूनिक तरीके से लिक्विड में भर के रखा जा सकता है और वो 18 साल तक स्टोर रहेगा। ये चीज अभी जस्ट इंट्रोडक्शन फेज में है, इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी रिलीज होनी बाकी है, वो जैसे ही आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस बात को मैं बार बार कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि सन जितना एनर्जी देता है उसका 1% भी अगर धरती के पास आ गया तो लाइफ टाइम तक एनर्जी हम लोग बिना जनरेट किए पा सकेंगे। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपने वैम्पायर डियर के बारे में सुना है? साइबेरियन मस्क डियर इन डियर्स को कहते हैं और इनका देखो ऐसा दांत होता है और इनको वैम्पायर डियर्स कहा जाता है क्योंकि ये देखने में वैम्पायर की तरह दिखता है। अभी पूरे विश्व में करीब 10,000 वैम्पायर डियर्स बाकी है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि जब किसी बड़े अपराधी को एजेंसीज पकड़ती है और ये पता चलता है कि उस इंसान के पास कंप्यूटर में कुछ एसेंशियल डेटा है तो उसको कैसे पकड़ती है वो? अगर वो व्यक्ति पासवर्ड नहीं बता रहा है फिर भी कैसे पकड़ लेती है? इसका आंसर बहुत बार कीबोर्ड के ऊपर मौजूद फिंगरप्रिंट से मिलता है। कीबोर्ड में आप जो पासवर्ड बार बार टाइप करते हो और बहुत बार यूज करते हो, सबसे ज्यादा जो की यूज होता है सबसे ज्यादा मात्रा में, उस पे सबसे ज्यादा आपका हैंड का मार्क रहेगा बहुत मजबूत रूप में और उसी से पता चलता है कि प्रोबेबली उस इंसान का पासवर्ड क्या होगा। जैसे अगर एजेंसीज ने ये नोटिस किया कि सी और एच पे सबसे ज्यादा बार निशान है और उसका कैट का नाम कुछ चीवी वगैरह है तो उसी से वो लोग गेस कर लेते हैं। एक अच्छे लॉक में जो एक्चुअल में नंबर सिस्टम होता है वो बार बार बदलते रहता है। जैसे कि इंडिया के सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक यानी SBI, उसका आप ऐप में एम पिन देखोगे तो जब वो एम पिन मांगता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं रहता है, वो रैंडमाइज कर देता है बार बार 9 8 4 1 2, मतलब अपने प्लेस पे नंबर नहीं रहता है, इसलिए कीबोर्ड को पलटना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट होटल जो है वो आज से करीब 1300 साल पुरानी है और 52 जनरेशंस इस होटल को चलाते आई है। मतलब आपके पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी, ऐसे करते करते 1 2 3 4 जनरेशन होता है, 52 जनरेशन। सोचो आपका भी कहीं ना कहीं होगा, कोई ना कोई होगा। अगर आपसे 52 बार पीछे चल गए हम लोग, आपके पापा के पापा के पापा, तो इस होटल का ये रिकॉर्ड है कि 52 जनरेशन से वही फैमिली इस होटल को चलाते आ रही है। ये होटल जापान में मौजूद है और इसका नाम है निशियामा ऑनसेन क्योंकान। इसके बारे में सबसे क्रेजी फैक्ट वही है कि 52 जनरेशन, बापरे। नेक्स्ट फैक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि अगर हम कोई खाना खा रहे हैं, मान लो केला या फिर ब्रेड, वो नीचे फर्श पे गिर जाए, बहुत लोग ये कहते हैं कि 5 सेकंड के अंदर अगर हम उसको उठा लेंगे या फिर 3 सेकंड के अंदर तो वो खराब नहीं होता है, उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, इसको 5 सेकंड रूल भी कहा जाता है। बट इसमें कितनी सच्चाई है साइंटिफिक एंगल से, तो वैज्ञानिक रियलिटी ये है कि एक्चुअल में 1 सेकंड भी नीचे गिरा खाना तो वो गया, क्योंकि 500 से 800 बैक्टीरिया 1 सेकंड में उसमें आ जाता है एक्चुअल में। तो अगर आप ट्रस्टेड साइंस के सोर्सेज से पढ़ोगे इस मिथ के बारे में तो आपको यही बताएगी कि ये 5 सेकंड रूल ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रेड गिर गया फिर आप तुरंत 5 सेकंड के अंदर उठा लिए तो उसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं आएगा। बहुत लोग इस चीज पे मानते हैं बट यकीन मानो ये एक मिथ है। अगर खाना नीचे गिर गया है तो आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और फर्श पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, इसलिए ये 5 सेकंड रूल बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। एक पेपर पब्लिश हुई थी जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा और उसमें इस चीज पे पूरी टेस्ट की गई थी और वो पाए थे कि 5 सेकंड में करीब 8,000 बैक्टीरियाज
आपके फूड में आ जाते हैं। इसका मतलब जस्ट फूड टच होते ही उठा लिए फिर भी उसमें बैक्टीरिया घुस चुके हैं। तो क्या इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है आधा सेकंड की भी उठा लेंगे? साइंटिफिकली कोई ऐसा सेकंड में कोई नंबर है जिसके अंदर उठा लेंगे तो कोई भी बैक्टीरिया नहीं आएगा? तो इसका आंसर है नहीं, एक मिली सेकंड भी नहीं। नेक्स्ट फैक्ट, जापान में सुनामीज और अर्थक्वेक ये बहुत कॉमन है। तो जापान में आपको बहुत ऐसे क्रीपी स्टोन्स मिलेंगे, बहुत एंशियंट स्टोन्स, जिसमें ये लिखा रहेगा कि इसके नीचे घर मत बनाना। मतलब जब सुनामी आता है समुद्र से तो वो ऊपर वाले एरियाज में नहीं पहुंच पाता है पानी, लेकिन जो नीचे कोस्टल रीजन और जो बहुत नीचे में मौजूद है वहां पे पहुंच जाता है। तो इन स्टोन्स में यही लिखा हुआ है कि इस स्टोन से नीचे घर मत बनाना बिल्कुल भी। इनको कहते हैं द सुनामी स्टोन्स। नेक्स्ट फैक्ट, इंसान चीजों को भूल सकता है लेकिन क्या आपका मोबाइल या कंप्यूटर वो चीजों को भूल सकता है? क्या आपको सच में ये लगता है कि आप जब कोई अपने फाइल को डिलीट करते हो तो एक्चुअल में डिलीट हो जाता है, मोबाइल के मेमोरी से गायब हो जाता है? फाइल डिलीट करने पे वो फाइल ट्रैश में चला जाता है या रिसाइकल बिन में। ये पहला स्टेप होता है, रिसाइकल बिन से डिलीट करो फिर वो परमानेंटली डिलीट है ना या नहीं? आंसर है नहीं, वो फाइल एक्चुअल में तब भी वहीं पे रहती है। एक होता है दिखने वाला सच्चाई डिस्प्ले पे, एक होता है जो एक्चुअल में होता है। वो फाइल तब भी वहीं होती है, बस आपको दिखती नहीं, वो स्पेस आपको खाली दिखाई देता है। जैसे कि फोल्डर में 5 फाइल है, आपने 5 को डिलीट कर दिया तो वहां पे नो फाइल दिखाएगा, लेकिन तब भी वो एक्चुअल में वहीं पे होता है। वो खाली इसलिए आप दिखा रहा है क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया, अपने मोबाइल को बेसिकली ये कहा है कि अपने आप को हाइड कर लो और दूसरे फाइल आए उसके लिए तैयार रहो। तो जब आप दूसरा फाइल डालते हो तब जाके वो हटता है पुराना फाइल, यानी एम्प्टी एक्चुअल में एम्प्टी नहीं होता है। इसीलिए आपने सुना होगा रिकवरी सॉफ्टवेयर्स, जब मोबाइल को फॉर्मेट कर दो तब भी रिकवरी वाले और बहुत सारे मिलिट्री वाले फाइल को रिकवर कैसे कर लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फाइल मिल जाने पे? वो इसीलिए क्योंकि रिकवरी उसी एम्प्टी मार्क्ड जगह को देखती है, कौन सा जगह एम्प्टी शो हो रहा है, और उसके बैक में एक्चुअल फाइल को निकाल देती है। तो जो लोग एक्चुअल में फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं वो करते ये हैं कि कोई फोल्डर में मान लो 5 फाइल्स हैं, 5 को डिलीट कर दिया, एम्प्टी शो होने लगा लेकिन वहां पे तब भी है। तो इसका एक ही तरीका है कि कोई नया फाइल को उसके ऊपर डाल दो तब वो परमानेंटली हटेगा और उसके जगह नया फाइल आएगा और उस नए फाइल को फिर डिलीट कर दो। तो अब कोई अगर रिकवरी सॉफ्टवेयर से रिकवर भी करेगा तो वो दूसरे फाइल को रिकवर करेगा, पहले वाले को नहीं। तो ये था डिलीटिंग का एक्चुअल ट्रुथ। नेक्स्ट फैक्ट, हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी मार्च 20 तारीख को वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है। इस साल भारत सबसे नीचे वाले पोजीशन में आया है, 126वें रैंक में। 137 कंट्री में 126वां रैंक भारत का है। बाकी कंट्रीज में बहुत सारे अजीब अजीब चीज हो रही है, भारत में तब भी बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। विदेशों में बहुत सारे बैंक्स डूब रहे हैं लेकिन भारत में तब भी RBI बहुत अच्छे से हमारे वर्ल्ड के सिचुएशन से अनएफेक्टेड इंडिया को रखी है बहुत हद तक। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये रैंक सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि अगर आप इसका सैंपल साइज के बारे में रिसर्च करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि इस हैप्पीनेस इंडेक्स को बनाने के लिए जो हर देश से जो सैंपल लिया जाता है, लोगों से डेटा लिया जाता है, वो मात्र 2 से 3 हजार लोग से लिया जाता है। अब अरबों की कंट्री में 2 से 3 हजार लोग से अगर डेटा लेंगे तो क्या पता चलेगा हैप्पीनेस के बारे में? तो सैंपल साइज बहुत बड़ा इशू है, जिसके चलते मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये नहीं सेंस बनाता है। हैप्पीनेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हैप्पीनेस को कोई कैसे मेजर कर सकता है, वही मेरे को समझ नहीं आता है। हैप्पीनेस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से रियल GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी और परसेप्शंस ऑफ करप्शन, इन फैक्टर्स को एनालाइज करके बनाया जाता है। लेकिन सैंपल साइज सिर्फ 2 से 3 हजार लोग क्यों रखा गया है ये मेरे को समझ नहीं आता है। इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और थैंक्स टू द यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ये संभव हो पाया है। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनाता है। नेक्स्ट फैक्ट,
क्या आपको पता है कि ब्रेकअप इतना हर्ट क्यों करता है? ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। बाकी टाइप का रिजेक्शन जो हम सोसाइटी से फेस करते हैं, सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है या फिर हमारे कामों को सपोर्ट नहीं कर रही, ये सब जनरल चीजें, लेकिन ब्रेकअप सबसे ज्यादा हर्ट इसलिए करता है क्योंकि ये आपके ब्रेन के प्राइमल एरियाज को इफेक्ट करता है। प्राइमल मतलब जो प्रिमिटिव, यानी जो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, यानी जो बहुत ही बेसिक लेवल पे हमारे सर्वाइवल को आगे बढ़ाता है। जो रोमांस वर्ड है, ये जो हम फील करते हैं, ये हमारे सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और स्पीसीज को आगे बढ़ाने से रिलेटेड है, और ये बात ब्रेन को बहुत रिलैक्स करती है। लेकिन जब वही ना हो, ये पता चलता है, तो ब्रेन के प्राइमल पार्ट में हिट कर जाता है, इसलिए वो इतना पेन देता है आपको कि वापस ला अपने एक्स को। ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि इंसान में एक क्वालिटी होती है जिसमें ये पाया गया है कि साइकोलॉजिकली आप अगर किसी स्पेसिफिक दुख में हो, तो अगर आपको उसका कोई कॉम्पेनियन मिल जाए जिसके साथ वही चीज हो रही है, तो आपको भले ही आप उसके लिए कितना भी बोलो कि ओ उसके साथ बेहद दिक्कत है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। लोग कॉम्पेनियन मिलने में बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। जैसे मान लो कि आपका मार्क्स खराब आया और सबका मार्क्स अच्छा आया, तो आपको बहुत खराब लगेगा। लेकिन अगर आपका मार्क्स खराब आया और आपके दोस्त का भी और खराब आया और आपके साथ सब कोई का ही खराब आया, तो एक सोशल वाली अच्छी वाली फीलिंग आती है। ये एक नेचुरल सी साइकोलॉजिकल चीज होती है जो सब इंसानों में होती है। और सैड सॉन्ग सुनने में हमें अच्छा क्यों लगता है, इस बात का आंसर भी इसी चीज में छुपा हुआ है। जब आप सैड सॉन्ग सुनते हो तो सिंगर दुख में गाता है, तो अगर आपको कुछ सैडनेस है और आपका माइंड सबकॉन्शियसली देख रहा है कि सिंगर भी दुख में है, एक्चुअल में नहीं है, सबको पता है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो दुख में गाता है, उस फील से गाता है, हार्ट से, तो इसलिए आपको अच्छा लगता है और आपके माइंड को एक वर्चुअल कॉम्पेनियन मिल जाता है। और यही रीजन है कि सैड सॉन्ग इंसान को इतना पसंद क्यों है और सैड सॉन्ग पूरे दुनिया में पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। जनरल लोग यही पूछते हैं कि रॉक सॉन्ग, पूरा जैज सॉन्ग और पूरा एकदम एनर्जी से भरा गाने से ज्यादा सैड सॉन्ग लोग क्यों अकेले में इतना पसंद करते हैं। भले ही ऑस्कर मिले नाटू नाटू को, लेकिन जब अकेलेपन की बात आती है तो कोई रात को थोड़ी नाटू नाटू सुनेगा अकेले में। जब कोई इमोशनल इवेंट उसके साथ होगा तब वो सैड सॉन्ग पे ही जाएगा। और सैड सॉन्ग के पीछे की यही कहानी थी कि आपके माइंड को एक कॉम्पेनियन मिल जाता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है और आपके ब्रेन में अच्छे वाले केमिकल्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, बेनिग मैसोसिज्म, ये उस साइकोलॉजिकल सी चीज को कहते हैं जिसमें एक इंसान थ्रेट को एंजॉय करता है। जैसे कि बहुत कोई आप देखे होंगे, आपसे कहता होगा कि मुझे थ्रिलिंग चीजें करने में बहुत मजा आता है। जैसे ब्रेन और बॉडी को जो थ्रिलिंग लगे, जो डेंजरस लगे, उनमें डोपामिन निकलता है इनको। इसमें ये थियोराइज किया जाता है कि आप अपने ब्रेन को बुद्धू बनाते हो। जैसे कि अगर आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, आपको पता है कि नकली है फिर भी मजा आता है, क्योंकि आपके कॉन्शियसनेस और आपके लॉजिकल ब्रेन को पता है कि वो नकली है, लेकिन आपका जो प्रिमिटिव ब्रेन है जो कि थ्रेट्स को सर्च करते रहता है, उसको आप ट्रिगर कर देते हो। और जो थ्रेट वाला ब्रेन है उसके मजे लेता है आपका लॉजिकल ब्रेन, और इसलिए प्लेजर देता है आपको। इसलिए हमें हॉरर मूवीज देखना पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है, बिना मतलब के लफड़ा करना पसंद है। बेनिग मैसोसिज्म का आप ये आर्टिकल देख सकते हो, इंजॉइंग इनिशियली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दैट द बॉडी और द ब्रेन फॉल्सली इंटरप्रेट्स एज थ्रेटनिंग, या फिर रोलर कोस्टर राइड को एंजॉय करना, अपने आप को उसमें भी थ्रिल होता है और डेंजर भी होता है। स्पाइसी फूड खाना, मतलब पेट भर गया फिर भी मजा आ रहा है और उस स्पाइस का मजा आ रहा है, ये भी हो गया। तो इसी चीज का जो टेक्निकल टर्म है वो मैंने आपको बताया, और इसको आप याद रख सकते हो। कौन रखेगा यार। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि अगर एक इंसान मान लो नॉर्मली रात को सोया है 7-8 घंटे 6 घंटे, और एक इंसान जो कि नहीं सोया है या फिर कम सोया है, तो दोनों को आप कोई नेगेटिव सी बात बोलो, तो जो नहीं सोया है वो ज्यादा बात को दिल पे लेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नहीं सोने से रिसर्चेस में ये पाया गया है कि नेगेटिव इमोशंस से हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, इंसान के ब्रेन में सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली चीजों में से एक है कंपैरिजन। ये सुनने में आपको जितना सिंपल लगेगा उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को,
तब अगर सामने वाला अगर ज्यादा सही है लाइफ में तो जो हमें फील होता है वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग होता है। और आजकल के यूथ में यही दिक्कत है और ये चीज बहुत तेज मात्रा में बढ़ते जा रही है सोशल मीडिया के चलते। तो इसी चीज को रोकना होगा हमें। स्टडीज ने ये पाया है कि ऐसे कंपेयर करने के बाद जो आदमी के अंदर डिससेटिस्फेक्शन होता है उसी के चलते लोग गैम्बलिंग इस चीजों में घुस जाते हैं और बहुत सारे नशीले पदार्थों को यूज करने लगते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस बहुत सारे पजल्स को भी सॉल्व कर देते हैं। ऑक्टोपस का ब्रेन जितना आप सोचते हो उससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। मतलब ये बहुत ही अजीब बात है कि पानी का एक जीव पजल सॉल्व कर सकता है और बहुत सारे लॉजिकल गेम्स को भी खेल सकता है। आपने उस इतिहास के सबसे बड़े सबसे मैजिकल ऑक्टोपस के बारे में सुना है, पॉल द ऑक्टोपस। ये जो ऑक्टोपस है ये 2010 के वर्ल्ड कप में एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करता था। दो टीम में से कौन जीतेगा ये पहले ही बता देता था। और ये चीज अगर आपको जैसे हाँ ये अंधविश्वास है लेकिन इस ऑक्टोपस का चूज करने का सक्सेस रेट 85.7% था, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है एक तुक्के वाली चीज के लिए। एक ऑक्टोपस वर्ल्ड कप मैचेस के विनर्स को प्रेडिक्ट करता था। बोलो कितनी क्रेजी बात है। सोच रहा हूँ एक एक्वेरियम लेके उसमें ऑक्टोपस रखूं, कुछ ना कुछ मैजिकल होगा मेरे साथ तब। नेक्स्ट फैक्ट, Wired.com का भी आर्टिकल देखो, हनी बीज माइट हैव इमोशंस। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज हुई है और ये भी पता चला है कि जितने भी जीव है हमारे वर्ल्ड में, हनी बी जो है ना वो काटती है, बहुत खराब लगता है, अलग बात है, लेकिन उसके अंदर इमोशंस पाए गए हैं बहुत सारे रिसर्चेस और स्टडीज में। इनफैक्ट ये भी पाया गया है कि वो डिप्रेस्ड भी हो सकती है। और हनी बीज में आपने सुना होगा राजा रानी होते हैं, उनकी क्वीन होती है, उनको बचाने के लिए ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, science.org का आप ये आर्टिकल देखो अर्थ रोटेशन का। इसमें ये बताया गया है कि लास्ट 2700 सालों में करीब 6 घंटा अर्थ का स्पिन स्लो हो गया है। इसका मतलब आने वाले टाइम में जो दिन और रात का लेंथ होता है अभी कितना होता है, अभी एक दिन 24 घंटे का होता है। पूरा सूरज निकलने से लेकर ढलने तक 24 घंटे होते हैं, लेकिन आज से 50 बिलियन साल बाद, ये बहुत बाद की बात है, तब अर्थ का जो एक दिन होगा वो 1000 घंटे होगा, ना कि 24 घंटे। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है वो अर्थ को इफेक्ट करता है बहुत। हर 100 साल में 1.78 मिलीसेकंड्स ये बढ़ता है, इसलिए मैंने 50 बिलियन साल बोला, क्योंकि 100 साल 200 साल यूनिवर्स के स्केल में कुछ भी नहीं है, हमारे लिए पूरा जिंदगी हो भले। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज में रिलैक्सेशन के लिए एक यूनिक सा टेक्निक को यूज किया जाता है, जो कि मैंने इंडिया में तो कहीं नहीं देखा है अभी तक, आना चाहिए ऑफ कोर्स, ये यूनिक चीज है, फॉरेस्ट नॉइज एम्पलीफायर। बहुत लोग को जंगल का जो नॉइज होता है नेचुरल वाला वो बहुत सूदिंग लगता है, तो वो ऐसा कुछ सेटअप पे जाके बैठ जाते हैं। देखो बीच में इंसान बैठा हुआ है और पूरे जंगल का नॉइज आके कान में बहुत एम्पलीफाइड तरीके से लगता है, तो ये चीज एक मसाज या फिर एक बहुत ही यूनिक रिलैक्सेशन टेक्निक का काम करता है। ये मुझे तो बहुत यूनिक लगा। नेक्स्ट फैक्ट, जो इजिप्ट देश है उसका जो कल्चर है वो हमारे हिस्टोरियंस सबसे मिस्टीरियस कल्चर्स में से एक मानते हैं। और इजिप्ट बोलने पे जो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है वो है पिरामिड्स। इस बात पे जब हिस्टोरियन लोग ध्यान देते हैं कि ये आखिर कैसे बना है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। पिरामिड का आपने ये पिक्चर तो नॉर्मली देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पिरामिड के पास एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स मौजूद है। आपने पिरामिड का ये व्यू हजारों बार देखा होगा, लेकिन इस व्यू को बहुत कम देखा होगा। इसको एक बार फुल स्क्रीन पे देखो, इसका नाम है मैरियट मेनहाउस गोल्फ कोर्स और ये पिरामिड के जस्ट बगल में ही लोकेटेड है। इजिप्ट का ये साइड आपको कोई नहीं दिखाता। पिरामिड के जो चेम्बर्स बने थे वो राजाओं के लिए बनाए गए थे, और जिस तरह का ममिफिकेशन ये इजिप्ट के लोग करते थे वैसा पूरे विश्व में और कोई भी नहीं करता था। और बहुत ही अजीब एक मिस्ट्री है, एक सवाल है जो हिस्टोरियंस को बहुत तड़पाती है कि ये लोग अचानक से लुप्त क्यों हो गए और पिरामिड का फुल रिकॉर्डेड इतिहास हमारे पास क्यों नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट,
क्या आपको पता है कि अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स जो कि आजकल के टेक्नोलॉजिकल दुनिया में आप देखते हो, वैसा एलियनवेयर ने बहुत पहले ही निकाल दिया था 2008-09 के टाइम, आज से करीब 14 साल पहले। लेकिन वो कुछ ऐसे दिखते थे, इतने मोटे मोटे मॉनिटर्स। कितना अजीब लगता है ना सोच के कि आज से 2009 की बात करें तो वो 14 साल बीत गए हैं 2009 से लेके अभी तक। नेक्स्ट फैक्ट, ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये है जियोइड इमेज ऑफ द अर्थ। इसको पॉट्सडैम ग्रेविटी पोटैटो भी कहते हैं। इस फोटो में आप देख सकते हो कि अर्थ का शेप जो है, एक्चुअल शेप, वो कैसा इररेगुलर है, बहुत ही ज्यादा इररेगुलर। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साइड देखो कैसे उठा हुआ है लैंड, और इंडिया के साइड कैसे डिप्ड है। ये डिटेल्ड मैपिंग है कि अगर पानी को हटा दे तो अर्थ कैसी दिखेगी। और बहुत लोगों को नहीं पता कि धरती ऐसी दिखती है जब हम वाटर को हटा दें। नेक्स्ट फैक्ट, जुपिटर प्लैनेट का आपने ये साइड तो देखा ही होगा, नॉर्मल साइड, लेकिन आपको आज तक कोई जुपिटर का नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखाया होगा। जुपिटर का जो नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है, वहाँ पे नॉन स्टॉप टोर्नेडोज, गैसेस के टोर्नेडोज होते रहते हैं। और जूनो स्पेसक्राफ्ट ने इस फोटो को क्लिक किया था करीब 50,000 किलोमीटर ऊपर से। जूनो एक स्पेसक्राफ्ट था जो कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और उसने इस स्पेक्टेकुलर इमेज को कैप्चर किया था। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि हमारे पूरे भारत में ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जो कि गाड़ी को ओन किया था, मतलब कार को, चार चक्का वाहन को ओन करने वाला पहला इंसान पूरे भारत का कौन है बताओ। अभी के टाइम पे तो करोड़ों लोग गाड़ियों को ओन करते हैं भारत में, लेकिन 1890 के दौरान गाड़ी ओन करना एक मानो प्राइवेट जेट ओन करने जैसा फील आता था लोगों को, वैसा उस टाइम सिचुएशन था। तो हमारे इंडिया में फर्स्ट पर्सन टू ओन अ कार वो थे जमशेद जी टाटा। वो पहले इंडियन व्यक्ति थे जो कि ऑफिशियली एक कार ओन किए थे 1890 के समय में, फर्स्ट इंडियन टू ओन अ कार। नेक्स्ट फैक्ट, देखो ये बहुत ही डीप फैक्ट है, शायद आप रिलेट कर पाओगे। ये पाया गया है कि जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि जब कुछ पर्सन मिलके फ्रेंड ग्रुप बनाते हैं, वो फिर क्या करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रहता है बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉर एवर, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, अल्टीमेट फ्रेंड्स, ऐसा टाइप का। लेकिन वो ग्रुप कुछ सालों बाद, जैसे स्कूल खत्म होता है या फिर कॉलेज खत्म होता है, जॉब वॉब का टाइम शुरू होता है जब, तो वो ग्रुप इनएक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल सी चीज है कि इवेंचुअली ज्यादातर केसेस में जो पहले के फ्रेंड्स होते हैं, भले उनके साथ कैसा भी अटैचमेंट हो, जब इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है या फिर उस इंसान पे काम, जॉब, स्ट्रेस, हेडेक आता है, काम का टेंशन, ये सब चीजें जब दिमाग में पड़ती है तो दोस्ती ढीली पड़ ही जाती है आखिरकार। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। नेक्स्ट फैक्ट, टाइटैनिक इस वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट कमाने वाली मूवीज में से एक है। टाइटैनिक की कहानी को भी आपने सुना होगा। उस मूवी में एंडिंग के सीन में आप देखते हो कि कैसे शिप के सारे लोग डूब रहे हैं और बहुत ठंडा वेदर है। जो एक्चुअल में हुआ था टाइटैनिक वो तो बहुत ही ज्यादा हॉरिफिक था, लेकिन मूवी में जो सीन था उसके बारे में बैकग्राउंड सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा। ये जो स्विमिंग पूल आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये लॉस एंजलिस में मौजूद है, बेलमोंट प्लाजा ओलंपिक पूल। इसी पूल में टाइटैनिक का ये सीन शूट किया गया था। जो मूवी का एंडिंग सीन था वो एक ओलंपिक स्विमिंग पूल के अंदर शूट किया गया था। नेक्स्ट फैक्ट, क्या वो पता है कि मूवीज जब बनते हैं तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ी होता है, वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में शूट होता है, और इसलिए मूवी शूट करना एक्टर्स के लिए एक हेडेक हो जाता है ज्यादातर केसेस में। लेकिन वो कहते होंगे कि मैं 4 बजे सेट पे चला जाता हूँ, फिर बहुत काम रहता है, हेडेक रहता है उनके ऊपर। तो क्या है कि वेब सीरीज और मूवीज को हम लोग तो एक रात में देख के या फिर 3 घंटे में देख के खत्म कर देते हैं, लेकिन उसको बनाने की जो मेहनत होती है वो सालों की होती है, और इस चीज को जब आप महसूस करोगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। नेक्स्ट फैक्ट, दुनिया में बहुत सारे क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं
एक वॉच कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट मैं आपको एक दिखा रहा हूँ। इसमें जो ट्रेन में ऐसे पकड़ने वाला होता है उसी में ये ऐसे घड़ी को इम्बेड कर दिया था। इससे क्या होता था कि जब भी कोई पैसेंजर ऐसे पकड़ता था तो वो देख पाता था अपने हाथों में घड़ी, और ये चीज उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। इंटरनेट पे बहुत सारे फोरम्स पे ये बहुत वायरल जा रहा था, और ये सबसे क्रिएटिव एड्स में से एक था लोगों के कैजुअल रेटिंग के हिसाब से। नेक्स्ट फैक्ट, एक बहुत ही अच्छी सी साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। क्या है कि साइकोलॉजी ने ये पाया है कि जो इंसान ऐसे कहता है ना, किसी भी बात में अगर कोई ये लाइन कहे कि मैं केयर नहीं करता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, स्टडीज के हिसाब से सबसे ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो ऐसा कहते हैं। उनका ब्रेन का अगर आप हलचल देखोगे वो बहुत ज्यादा होगा। तो अगर कोई कहे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ता तेरे से, तो जब ये कोई कह रहा होता है वो इसीलिए कह रहा होता है क्योंकि उसके ब्रेन में एक्टिविटी चल रहा होता है और उसी को हाइड करने के लिए वो कह रहा होता है। जो लोग चीजों को हाइड करते हैं वही बेसिक लेवल पे सबसे ज्यादा केयर करते हैं। एक्चुअल में आपके मान लो किसी काम से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो एक्नॉलेज ही नहीं करेगा आपके उस वर्क को। लेकिन अगर किसी को फर्क पड़ेगा ना तभी वो कहेगा कि तेरे से मुझे क्या, तेरे से कोई मतलब नहीं। ये एक बहुत ही अजीब सी आयरनी पाई गई है लोगों के बातचीत के साइकोलॉजी में। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि 2022 के सबसे मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स कौन है? पूरे विश्व में जितने लोग हैं वो कौन से सर्विस, कौन से वेबसाइट को सबसे ज्यादा विजिट किए हैं? टॉप पे है गूगल, सेकेंड पे है अपना यूट्यूब, थर्ड पे है फेसबुक, फोर्थ पे है ट्विटर, फिफ्थ पे है इंस्टाग्राम। फेसबुक अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं, अजीब लगता है। नेक्स्ट फैक्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी आगे चल गई है आप इस डिवाइस को देखो। इसका अंदाजा लगाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप ये डिवाइस को देखो। ये एक छोटा सा डिवाइस है, आपके शरीर में मौजूद जो इतना बड़ा हार्ट है जो पंप करते रहता है ब्लड को, उसका काम ये किया है एक छोटे से बच्चे में। ये है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट। ये एक 16 महीने के बच्चे को 13 दिन तक हार्ट सपोर्ट दिया। 13 दिन तक उस बच्चे का हार्ट नॉर्मल नहीं था और वो स्टॉप हो गया था, लेकिन इस आर्टिफिशियल हार्ट के मदद से पूरे बॉडी में ब्लड को पंप किया गया लिटरली। सोचिए कितनी अजीब सी बात है। और फिर एक नेचुरल डोनर मिला उसको बहुत मुश्किल से, क्योंकि उस एज का हार्ट डोनेशन में पाना बहुत मुश्किल है। तो आखिरकार मिला, लेकिन उसके पहले तक ये टेम्पोरली उस बच्चे को बचा के रखा। ये है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट। नेक्स्ट फैक्ट, क्या वो पता है कि भारत को 1947 में आजादी मिलने के पहले, कुछ साल पहले 1942 में यूपी का बलिया ये जो जगह है ये पहले ही इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ये जो बलिया जगह है ये 1942 में ही आजाद हो गया था। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपने कभी हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस के बारे में सुना है? दिल टूटने का इंश्योरेंस। जी हाँ, हमारे विश्व में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। मतलब अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप में घुसता है और उसको धोखा मिले, इसके लिए भी लोग इंश्योरेंस कराते हैं एक्चुअल में, जिसे कि हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस कहते हैं। और भी बहुत सारे अजीब टाइप के इंश्योरेंसेस होते हैं, जैसे कि एलियन अबडक्शन इंश्योरेंस, जिसमें कि एलियन अगर आपको कैप्चर करके ले जाए उसके लिए भी लोग प्रीमियम पे करते हैं हर साल। और जो पिछला वाला मैंने बताया हार्ट ब्रेक, उसमें भी हर साल 1,000-2,000 रुपए लोग पे करते हैं ताकि दिल टूटे तो मेरे को अच्छा खासा अमाउंट मिले। अजीब लग रहा हो आपको सुनने में, लेकिन ऐसा होता है। अब ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी होते ही होंगे, क्योंकि लड़का लड़की मिल के भी तो नाटक कर सकता है ना कि इसने मेरा दिल तोड़ा, और इंश्योरेंस से पैसे क्लेम कर सकता है। इसलिए तो इतना कम चलता है ये सब, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बहुत छोटे कंपनीज अभी भी हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपने इस किसिंग डिवाइस के बारे में सुना है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें लोग वर्चुअली किस कर सकते हैं। लड़का उस साइड से करेगा, लड़की इस साइड से करेगी, और इसका जो जिस चीज से बना हुआ है ये जब लिप्स पे टच करेगा तो आपको एकदम ह्यूमन लिप्स की फील आएगी। लेना है क्या? नेक्स्ट फैक्ट, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको बहुत ही अजीब लगेगा। इंसान कपड़े क्यों पहनते हैं?
मतलब देखो ऐसे कैजुअली सोचने वाली क्वेश्चन नहीं है, ये क्या बात हुई कपड़े क्यों पहनते हैं, वो ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर रूट्स में जाए इस कॉज का कि पहले आदि मानव था, उस टाइम लोग पत्तों को यूज किया करते थे, फिर धीरे धीरे जैसे इंसानियत आगे बढ़ी बॉडी को कवर करने की नीड आई, और उसके बाद से क्लॉथ एक ऐसी चीज हो गई जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, हम क्यों पहनते हैं साइंटिफिकली। तो जब इंसानियत की शुरुआत हमारे धरती में हुई थी, स्टडीज के हिसाब से उस टाइम के लोग कपड़े नहीं पहना करते थे बहुत पहले, लेकिन अफ्रीका से जब इंसानियत शुरू हुई तो वो अलग अलग रीजन्स को वर्ल्ड में एक्सप्लोर करने लगी, अलग अलग जगहों पर जा जाके। तो जब वो इक्वेटर से मूव की, धरती का मिडिल वाला पार्ट जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, धरती पे आप जितना ऊपर जाओगे जैसे रूस के साइड या फिर नॉर्थ पोल के साइड, उतना ज्यादा ठंडा मिलेगा। तो जैसे जैसे इंसान धरती को एक्सप्लोर करते गया वैसे वैसे कपड़े की नीड आई, क्योंकि ठंडे टेम्परेचर से हमें प्रोटेक्ट करना था, और ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करती थी, और यही एवोल्यूशनरी कारण है कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं। जब इंसान कोल्डर क्लाइमेट में मूव किया तो आगे एक्सप्लोर करना नामुमकिन था, तो ऐसे ही करते करते किसी न किसी एक आदि मानव के दिमाग में आया होगा कि हम लोग बुन कर कुछ बनाते हैं ताकि हम लोग ढक पाए और हमें ठंड की फीलिंग ना आए और हम दुनिया को और एक्सप्लोर कर सके, और ऐसी शुरुआत हुई कपड़ों की। जो माइंड है इंसान का ब्रेन और जो आदि मानव का ब्रेन था वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है कि हमें नई चीजें नोवेल्टी को एक्सप्लोर करना है। हमारे ब्रेन में किस चीज में मजा आता है वो भी आपको इसका आंसर ब्रेन के केमिकल्स में मिलेगा। क्या है कि नई चीजें जब आप देखते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि ये यूनिवर्स, ये जो सिस्टम है, ब्रेन का जो केमिकल है वो चाहता है कि आप और नई चीजों को जानो और सीखो। इसलिए हमें नॉलेज गेन करने में मजा आता है, रैंडम फैक्ट्स देखने में मजा आता है, और किसी नए जगह पर जाने पे मजा आता है, नोवेल्टी। तो इंसान भी ऐसे ही इवॉल्व किया, शुरू में एक एरिया तक सीमित था, लेकिन कितने दिन तक रहेगा, फिर वो एक्सप्लोर करना शुरू किया पूरे दुनिया को। और जब इंसानियत की शुरुआत एक जगह पे हुई तो उसको आइडिया भी नहीं होगा कि दुनिया कितनी बड़ी है, और इसी चीज को जब इंसान एक्सप्लोर करने निकला पावर्ड बाई द नेचुरल इंस्टिंक्ट, तब जाके कपड़ों की नीड इंसान को फील हुई, और धीरे धीरे इंसान इवॉल्व किया और मोटे मोटे स्वेटर्स बनाने लगा, और जानवरों के भी एलिमेंट्स को यूज करने लगा अपने आप को और वार्म रखने के लिए। तो आपके और हमारे जो पूर्वज थे वो ऐसे ऐसे सब कुछ किए थे। ये सोच के अजीब लगता है आपको कि हमारे ही और आपके पूर्वज थे, आदि मानव कौन थे? अगर आप बेसिकली थोड़ा डीप सोचो तो वो कौन थे? आपके जो दादा है उसके दादा के दादा के दादा, ऐसे करते करते हजार या लाख बार चले जाओ, तब जाके आपका उस टाइम कोई ना कोई होगा आदि मानव के टाइम। अगर आप डीपली इस चीज को सोचो तो ये बात आपको रियलाइज होगी कि हाँ, मेरे भी सुपर पर दादा उस टाइम होंगे। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपके मन में कभी ये क्वेश्चन आया है कि शैडो का यानी परछाई का वजन होता है क्या? बहुत लोग इस बात को पूछते हैं कि क्या परछाई का वजन होता है। तो बेसिकली बेसिक साइंस में भी अगर आप जाओ ना तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि परछाई होता ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी चीज की परछाई शैडो होती ही नहीं है। लाइट के उस एरिया में ना होने को परछाई कहते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो कि ना होते हुए भी है, लिटरली और साइंटिफिकली भी। परछाई कोई चीज थोड़ी है। नॉर्मल जगह पे लाइट पड़ रहा है, आप वहां पे हाथ रख दो तो बहुत एरिया तक लाइट कम जाएगा या फिर लाइट नहीं जाएगा, तो वो एरिया एज परछाई हमें दिखती है। तो परछाई एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए परछाई का वजन नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्ट, ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि क्या ड्रीम्स यानी सपनों का कोई एक्चुअल मतलब होता है? जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि सपनों में कोई भूत आता है फिर एक्चुअल में आ जाता है, साइंस वैसे तो कुछ नहीं कहता। सपनों का कोई मतलब नहीं होता है, सपना सेंसलेस होता है, विज्ञान यही कहता है, क्योंकि कोई लॉजिकल मीनिंग फॉर्म नहीं होता है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, लेकिन वो चीज अभी तक विज्ञान का होश उड़ा के रखा हुआ है,
वो है प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स। जैसे कुछ होने वाला हो और वो आपको पहले ही दिन दिख जाता है। जैसे बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों ने मेरे को कहा है, जैसे क्या होता है कि वो सपने में देखते हैं कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, एक रैंडम सा सपना होता है। वो सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम को आए तो ये पता चला कि उनके मोहल्ले में किसी को इलेक्ट्रिक करंट लगा है और उसकी मृत्यु हो गई। ये तो एक बहुत बड़ा इत्तेफाक कोइंसिडेंस भी हो सकता है लॉजिकली स्पीकिंग, लेकिन ऐसा बहुत बार बहुत लोगों के साथ होता है। और दूसरी बात जो मैंने आपको वो बात कही है कि फॉल्स अवेकनिंग, ये तो मुझे भी हुआ है पर्सनली और आपको भी हुआ होगा, जिसमें कि आपको लगता है कि आप उठ गए हो लेकिन एक्चुअल में उठे ही नहीं होते हो, आप मल्टीपल लेयर्स में होते हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाला है तो देखना आप सो गए तो सपने में आपको लगेगा आप पेपर लिख रहे हो और आपको लगेगा कि आप उठ के चल दिए हो स्कूल, बस छूट रही है, ऐसा कुछ आएगा ड्रीम में, लेकिन एक्चुअल में आप उठे ही नहीं होगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो उठ गया था। तो दो अनएक्सप्लेनेबल चीजें जिसके बारे में रत्ती भर भी किसी को नहीं पता, वो है प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स, यानी पहले ही किसी चीज की आभास हो जाने वाली मिस्टीरियस ड्रीम्स, और दूसरा है फॉल्स अवेकनिंग, यानी झूठ का उठना सपने में। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको कई बार हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। देखो धरती पे आप हो, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, तो जो ब्लड फ्लो है, ब्लड का दौड़ना, वो नीचे से ऊपर आपके बॉडी में घूम रहा है हर एक सेकेंड, वो आराम से हो पा रहा है और आपको जिंदा रख रहा है। लेकिन स्पेस में जाओगे तो वहां पे जीरो ग्रेविटी होगा जिसमें आप तैर पाओगे, पानी में से तैरते हुए स्पेस में वैसे ही तैर पाओगे, तो वहां पे पूरा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, माथे के तरफ ज्यादा ब्लड जाने लगता है जिसे एस्ट्रोनॉट्स को बहुत बार हेडेक का सामना करना पड़ता है। अगर स्पेस क्राफ्ट के किसी एरिया में ग्रेविटी सिस्टम नहीं है तो अगर कोई वहां रोए तो आंसू गिर के ऐसे ऊपर जाने लगता है, अगर कोई टॉयलेट करे तो टॉयलेट नीचे जाने के बदले ऐसे ऊपर हवा में उड़ने लगेगा। और स्पेस में कोई बासी बड़ा पाव, मान लो कोई सड़ा हुआ कुछ ले जा रहा है खाने का, वो अगर चला गया तो उनको जिंदगी भर के लिए वहां पे उस स्मेल को सूंघते रहना होगा स्पेस क्राफ्ट के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां क्या खिड़की खोलो और हवा निकालो, खिड़की खोलोगे ना तो स्पेस क्राफ्ट ही डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट, एक 300 पेज का किताब है जिसका नाम है अ वॉयड, वो फ्रेंच किताब है और ये वर्ल्ड की इकलौती किताब है जो कि 300 पेज की है और पूरा मीनिंग बनाता है उसका हर चैप्टर एक नॉर्मल किताब की तरह, लेकिन उस पूरे किताब में लेटर ई का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है, पूरा बुक ई। अगर मैं आपको 10 पेज का चैलेंज भी दे दूं कि ऐसा कुछ लिखो, ऐसा कोई सेंटेंस बिना रिपीट किए लिखो जिसमें कि ई लेटर ना हो, तो फिर ये इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन ये वर्ल्ड का इकलौता किताब है वॉयड जिसमें 300 पेजेस हैं विदाउट द लेटर ई, और इसको जॉर्ज पेरेक ने लिखा था। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपके मन में कभी सवाल आया है कि हम बूढ़े क्यों होते हैं? देखो बूढ़ा होना इसको इनएविटेबल माना जाता है, मतलब इसको आप चाह के भी रोक नहीं सकते, भले ही आप अरबपति हो या खरबपति हो या फिर आपने जिंदगी में क्या उखाड़ लिया है, कुछ भी हो, आखिरकार एक ना एक दिन मरना है, ये एकदम रियलिटी है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसको रोका नहीं जा सकता है? तो विज्ञान भी अभी तक पूरी तरह से एजिंग को नहीं समझ पाई है। विज्ञान ये कहती है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है जिससे हमारा हाथ सब कुछ बना हुआ है, इसके अंदर डिविजन चल रहा है कॉन्स्टेंटली, आप सबके अंदर सेल डिविजन चल रहा है, सेल आपस में डिवाइड हो रहे हैं। और आपको ये पता होगा कि आपका पूरा बॉडी कैसा होगा, आपका नेचर कैसा होगा, आप गुस्सैल टाइप के होगे या काल्म टाइप के होगे, इंट्रोवर्ट होगे या एक्सट्रोवर्ट होगे, ये चीजें आपके डीएनए में मौजूद रहती है। तो एक सेल जब डिवाइड होता है, जो कि हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो डिवाइड होता है तो जो अंदर का डीएनए होता है वो भी कॉपी होता है, लेकिन ये पता चला है कि सेल अपने आप को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं तो ए है, ए का एक कॉपी बनाओ, अब दो ए आ गया, लेकिन इस ए का जो लेंथ है वो इससे उतना मैच नहीं करेगा, इसका कॉपी है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बन पाया है। जैसे ये मैं आपको बताया, सेल में भी ऐसे ही होता है, कुछ पार्ट ठीक से कॉपी नहीं हो पाता है इस कॉन्टिन्यूअस डिविजन में,
जो कि हमारे बॉडी के अंदर हमेशा चल रहा है। तो ओवर टाइम डिवाइड करने की कैपेबिलिटी जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रह जाती, जैसे कि डिवीजन ठीक से नहीं हो पाता। और डीएनए में सब कुछ इंस्ट्रक्शन होता है इम्पोर्टेंट, कि शरीर में कुछ जाए तो नेगेटिव चीजों को कैसे निकाले, ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करें, टॉयलेट कैसे बनेगा। तो ये इंस्ट्रक्शन, अगर ये जो एक मैनुअल है इसके पेजेस ही अगर हम लोग तोड़ दें, जो कि ओवर टाइम हो रही है सेल डिवीजन के चलते, तो फिर ठीक से डिवाइड नहीं हो पाएगा और कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। एक बार कटेगा, किसी मान लो 120 साल का कोई इंसान है, उसका यहाँ कट गया, खून निकलेगा, तो बॉडी के पास मैनुअल ही नहीं है कि उस खून को रोकना भी है, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग को हॉस्पिटल ले जाकर रोकना होगा। तो बॉडी में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं सर्वाइव कराने के, वो खत्म होते रहते हैं ओवर टाइम, क्योंकि सेल डिवाइड करते टाइम जो मैनुअल है हमारे बॉडी का सारा सर्वाइवल नोट्स, वो नोट्स के पेजेस फटते रहते हैं हर एक सेकेंड। जी हाँ, अभी भी फट रहे हैं, और इसी के चलते हमारा बॉडी वीक होता रहता है और ज्यादा प्रोन हो जाता है डिजीज के लिए। और इसीलिए किसी यंग एनर्जेटिक लड़के में, जैसे अगर कुछ हो जाए, मान लो कि हाथ में दर्द हो गया किसी चोट के चलते, तो वो 30 दिन में हील हो जाएगा, पूरी तरह से चंगा हो जाएगा। लेकिन वही किसी बूढ़े व्यक्ति का होगा तो उसके बॉडी में इंस्ट्रक्शन ही नहीं है कि वो कैसे ठीक करे, बॉडी को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ कुछ हुआ है, और ओवर टाइम ये चीज बढ़ जाती है, और इसीलिए ओल्ड एज में इतने सारे डिजीजेस लोगों में हो जाते हैं। अगर ऐसा होता कि सेल डिवाइड हो रहा है और बिना कोई दिक्कत के मस्त एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है, तो वो होते रहता, और जब तक ये यूनिवर्स है तब तक होते रहता, हर कोई अमर हो जाता। लेकिन वो ऐसा नहीं है, सेल जब कॉपी होता है तो थोड़ा सा कहीं कुछ पार्ट मिस हो जाता है, और बच्चों में जो 2-3 साल के क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं उनमें बहुत अच्छे से कॉपी होता है, क्योंकि फ्रेश फ्रेश स्क्वीजी बॉडी है क्यूट क्यूट। तो ये था एजिंग का विज्ञान। नेक्स्ट फैक्ट, अगर हम धरती के लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल्स की बात करें तो सेचेलिस जायंट टॉर्टोवाइज एक टॉर्टोवाइज है जो कि 190 साल तक जीता है। इंसान का अभी का एवरेज एज 60 से 100 के बीच में है, इसके बीच में इंसान बहुत ज्यादा वीक होने लगता है, लेकिन ये जो टॉर्टोवाइज है ये 190 साल तक जिंदा रहता है। बोहेड वेल नाम का ये मछली 200 साल तक जिंदा रहता है। एक रफ आई रॉकफिश नाम का एक मछली है जो कि 200 साल तक जीता है। सोचो, पानी का एक मछली 200 साल तक जी रहा है, लगता है हमारे से अच्छा सेल डिवाइड तो इनमें होता है। ग्रीनलैंड शार्क्स 250 से ज्यादा साल तक जीते हैं। ट्यूब वर्म्स, ये जो है ओशन के एकदम बॉटम वाला जो एरिया होता है, अब बड़े बड़े ओशन में चल जाओ जहां पे पानी एंड होगा नीचे, मिट्टी जो उसका प्लेट होगा नीचे वाला, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो ये ट्यूब वर्म्स ये सब 300 से ज्यादा साल तक जीते हैं। ये जो आप ओशन में इन क्रीचर्स को देखते हो, आप अगर कोई समुद्री बीच में जाओगे तो आप आर्टिका आइसलैंडिका, तो ओशन के ये जो जीव होते हैं ये सब 500 साल तक जीते हैं, इनको क्लैम कहते हैं। ब्लैक कोरल, ये जो जीव होते हैं ये सब एकदम समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, और इसका लाइफ स्पैन, ध्यान से सुनो, 4000 साल तक भी पाया गया है। मतलब ये सब तो इंसानों पे हंसते होंगे, आज जो इंसान है उसको 1000 साल बाद कौन याद रखेगा, बहुत मुश्किल से। मार्च 2009 में समुद्र में करीब 3000 मीटर अंदर 4265 साल का एक ब्लैक कोरल पाया गया था। मतलब समुद्र के अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे अगर बाहर, तो ये सब जीव सब हंसते होंगे हम पे, कि मतलब इंसान का एवरेज उम्र अगर बाकी नेचर के अमेजिंग ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। कई बैक्टीरिया 10-10 हजार साल तक जीते हैं, और ओशन में और कई जीव हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो पूरे अगर वर्ल्ड के एवरेज को निकाले तो इंसान का कुछ भी नहीं है बाकी ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो। आपने जेलीफिश के बारे में सुना होगा, इसमें एक प्रजाति इमोर्टल होता है क्योंकि इसके बॉडी में सर्वाइवल का जो मैकेनिज्म है उसमें जरा भी स्ट्रेस नहीं है। मतलब जिस तरह हमारा कॉपी ठीक से नहीं हो पाता है, हमारा बॉडी घिस जाता है कॉपी करते करते, जिस तरह एक कार का इंजन घिस जाता है, ब्रेक के रबर पैड घिस जाते हैं, फट जाते हैं, ये सब चीज इनमें होता ही नहीं है। ये इमोर्टल है, ये तभी मरते हैं जब कोई दूसरा इन पे अटैक कर दे या फिर इनको कोई डिजीज हो जाए, ऐसे नॉर्मली ये नहीं मरते हैं। बायोलॉजिकली इमोर्टल है ये, ये सुनने में इम्पॉसिबल सा लगता है लेकिन ये रियली में बायोलॉजिकली इमोर्टल है। तो ये थे आज के फैक्ट्स।
वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।